बरेली देश में निरंतर बढ़ रही महंगाई व लगातार बढ़ते गैस के दामों, सरकार द्वारा जनता से किए गए झूठे वादे, बेरोजगारी व राशन के बढ़ते दामों के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के सचिव समयून खान के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। सपा सचिव समयून खान ने कहा कि देश में जिस प्रकार से महंगाई मुंह फैला रही है, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण लोग गैस रिफिल करवाने में असमर्थ हैं। रसोई में एलपीजी गैस के बिना एक गृहिणी का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। महिलाएं लकड़ी से खाना बनाने को मजबूर हैं। दैनिक जीवन में प्रतिदिन खाए जाने वाले राशन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण लोग आर्थिक तंगी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को अनदेखी करते हुए केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और प्रदेश सरकार के मुखिया लगातार जनता के सामने आधिकारिक रूप से झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। समयून खान, देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सचिव भी हूं महानगर में। मैं महिलाओं के बीच रहती हूं। मैं देख रही हूं कि जिस तरह से निरंतर देश में महंगाई बढ़ रही है और गैस, एलपीजी गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के महिलाएं बहुत परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी रसोई एलपीजी गैस पे ही टिकी रहती है। वो सबसे मुख्य आधार है रसोई गैस में। तो जिस तरीके से दाम बढ़ाए जा रहे हैं, महिलाएं बहुत आक्रोश में हैं। आज हम उसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों की 3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि रसोई गैस के दाम कम किए जाएँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, मतलब सोचिए, त्यौहार के दिनों में होली से ठीक पहले गैस के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार होली से ठीक पहले 50 रुपये गैस के दाम बढ़ा देती है। तो हम लोगों की ये मांग है कि गैस के दाम तत्काल कम किए जाएं। दूसरी हमारी मांग है कि राशन में जो लगातार राशन के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है लगातार, उनके दाम कम किए जाएं, क्योंकि गरीब क्या कमाएगा, क्या खाएगा? एक गृहिणी अपना घर कैसे चलाएगी, एक अपनी गृहस्थी कैसे चलाएगी वो? तीसरी हम लोगों की मांग ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आधिकारिक रूप से एक घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि होली दिवाली के मौके पे गृहिणियों को फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, मतलब फ्री गैस रिफिलिंग करवाई जाएगी। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत होली के मौके पे 50 रुपये गैस के दाम बढ़ा दिए गए। सोचिए, आधिकारिक रूप से एक घोषणा की जाती है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए बजट हम दे चुके हैं। कुछ बजट भी उन्होंने बताया एक पर्टिकुलर कि इतना इतना बजट हमने दिया है, उसके बाद भी गैस के दाम कम नहीं हुए, बढ़ा दिए गए। तो हम लोगों की ये मांग है कि या तो अपनी घोषणा वो पूरी कर दें, योगी आदित्यनाथ जी, जो उन्होंने घोषणा की थी, या फिर सारी महिलाओं से, सारी जनता से इस चीज के लिए माफी मांगे कि हमने झूठी घोषणा की थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।